इस वीडियो में बात करेंगे 10 होम रेमेडीज़ की माउथ अल्सर्स के लिए। अगर आपके मुंह में छाले हो रहे हैं तो क्या ट्रीटमेंट आप घर में ही कर सकते हैं, इसकी हम बात करेंगे। और इसी वीडियो में होम रेमेडीज़ के बाद बात करेंगे किन कंडीशंस में आपको इन्हें अवॉइड नहीं करना है, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है और डॉक्टर से मिलना है, किन कंडीशंस में, इसकी भी हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में इसके कॉजेज बताए हुए हैं कि बार बार अगर मुंह में अल्सर हो रहे हैं तो क्या इसके कारण होते हैं, या फिर नॉर्मली भी आपको अल्सर हुआ है, मुंह में छाला हुआ है तो क्या इसका कारण हो सकता है। अगर आप कॉजेज समझना चाहते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के ऊपर एक सजेशन आ जाएगा, उसमें क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ की हम बात करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो 10 होम रेमेडीज़ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ऐसे और भी होम रेमेडीज़ होती है लेकिन 10 होम रेमेडीज़ की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है अवॉइड स्पाइसी, हॉट एंड सोर फूड। आपको बहुत ज़्यादा मसालेदार, गर्म और जो भी खट्टे फूड है, खाना है, वो आपको अवॉइड करना है। जब तक आपके अल्सर्स बने हुए हैं बिल्कुल आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये इरिटेट करते हैं म्यूकोसा को और अल्सर्स को बढ़ाते हैं। इसके बाद सेकंड है ड्रिंक मोर वाटर, सफिशियंट वाटर आपको पीना है, पानी आपको पीना है। ये एक बहुत कॉमन कॉज होता है जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। पानी हम जितना पीना चाहिए उतना नहीं पीते हैं। और अगर आपको अल्सर्स होते रहते हैं, मुंह के छाले होते रहते हैं, ठीक नहीं होते हैं, तो ये एक कारण हो सकता है। नोटिस करिएगा कि क्या आप पानी कम पीते हैं, तो ड्रिंक मोर वाटर, पानी आपको ज़्यादा पीना है। इसके बाद है थर्ड साल्ट वाटर रिंस। आपको नमक वाले पानी से गरारे करने हैं। वार्म वाटर आपको लेना है, गुनगुना पानी आपको लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। उसमें नमक डालेंगे, एक चम्मच नमक डाल लीजिए एक गिलास पानी में, और इसको कुल्ले करिए, इसके गार्गल करिए। दिन में 2-4 बार आप गार्गल करिए तो इससे भी रिलीफ होता है। सॉल्ट वाटर से कुल्ले करने से इन्फ्लामेशन कम होता है और जो अल्सर्स हैं धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जिसको हम बोलते हैं, उसका यूज़ आपको करना है। ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। जनरली अल्सर्स होते हैं एसिडिक नेचर के कारण, अगर एसिड की क्वांटिटी बढ़ती है मुंह में तो अल्सर्स होते हैं, तो ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। बेकिंग सोडा कैसे आपको यूज़ करना है, इससे भी कुल्ले करने में और पेस्ट करने में, गार्गल करने के लिए आप आधी गिलास पानी में एक चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिए, और गुनगुना पानी भी आप ले सकते हैं, उससे आपको रिंस करना है, उससे आपको कुल्ले करना है। और पेस्ट का यूज़ कैसे करेंगे, थोड़ा सा आप बेकिंग सोडा ले लीजिए, उसमें पानी मिला के पेस्ट जैसा बना लीजिए, और जहाँ पर भी आपको अल्सर है मुंह में वहाँ पर आप इसको अप्लाई करके थोड़ी देर रहने दीजिए। इससे भी अल्सर्स में आराम होता है, ठीक हो जाता है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो 2-3 जो होम रेमेडीज़ है उस पर आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, थोड़ा सा जलन हो सकता है, लेकिन आगे आपको आराम हो जाएगा। फिफ्थ है अप्लाई आइस, बर्फ़ का आपको यूज़ करना है। आप एक आइस क्यूब ले लीजिए और जहाँ पर भी आपको अल्सर है वहाँ पर आप इसको रखिए, इससे भी अल्सर्स में आराम मिलता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, हनी या फिर कोकोनट ऑयल। हनी का आप यूज़ कर सकते हैं, शहद का आपको यूज़ करना है। शहद में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, तो इसको भी आप डायरेक्ट अल्सर्स में लगा सकते हैं, इससे भी अल्सर्स ठीक हो जाते हैं। दिन में 3-4 बार आपको लगाना होता है, लेकिन ध्यान आपको रखना है कि जो भी शहद आप यूज़ कर रहे हैं वो प्योर हो। ऐसे ही आप कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल को अल्सर्स में आपको दिन में 3-4 बार लगाना है, इससे भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं अल्सर्स। नेक्स्ट है एलोवेरा। एलोवेरा का आप यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर नेचुरली एलोवेरा अगर आपके यहाँ है तो उसको आप तोड़ लीजिए, उससे जो उसका जेल होता है वो निकाल लीजिए और आपको अप्लाई करना है अल्सर्स पे, इससे भी अल्सर्स ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है टर्मरिक, हल्दी का आपको यूज़ करना है। हल्दी का यूज़ भी हम रिंस और पेस्ट में करेंगे, मतलब कि कुल्ले करने के लिए और पेस्ट के जैसे भी इसको लगाना है। हल्दी भी इन्फ्लामेशन को कम करती है और इससे भी छाले जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसका भी पानी में आप थोड़ा सा लेके पेस्ट बना लीजिए और इसको अल्सर्स में अप्लाई करना है। अल्सर्स में इसको अप्लाई करेंगे तो आपको जलन होगा, जैसे आपको पहले बताया था, आपको जलन होगा, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, लेकिन आगे जो अल्सर्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। रिंस वैसे ही करना है आपको, हल्दी को आप पानी में घोल लीजिए और इससे कुल्ले आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ टॉपिकल पेस्ट।
अगर ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन है, दर्द अगर ज़्यादा हो रहा है अल्सर्स में, खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही है, बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप टॉपिकल पेस्ट यूज़ कर सकते हैं जो भी मार्केट में अवेलेबल है। इससे ये थोड़ी देर के लिए एनेस्थाइज कर देते हैं अल्सर्स में, तो पेन आपका तुरंत चला जाता है। तो टॉपिकल पेस्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट है क्लीन योर माउथ। आपको अपनी ओरल कैविटी को, अपने मुंह को साफ रखना है। अगर पुअर ओरल हाइजीन है, मुंह आप साफ नहीं रख पाते हैं, ब्रशिंग आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक कारण होता है कि आपके अल्सर्स बार बार होते हैं। तो आपको जो ओरल कैविटी है, मुंह है, हमेशा उसको साफ रखना है। और अवॉइड हार्ड ब्रश, जो आप ब्रश यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, या तो अल्ट्रा सॉफ्ट या फिर कम से कम सॉफ्ट ब्रशेस का आपको यूज़ करना है। और ब्रश करते हुए भी हार्ड ब्रशिंग आपको नहीं करना है, जेंटल ब्रशिंग आपको करना है। तो ये 10 होम रेमेडीज़ हैं, और भी बहुत सारी होती है। एलम जो होता है फिटकरी का आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी और भी होम रेमेडीज़ होती हैं, पर यहाँ पर 10 होम रेमेडीज़ की हमने बात की। अब बात करते हैं किन कंडीशंस में आपको इसे अवॉइड नहीं करना है, आपको डॉक्टर्स को दिखाना है, डॉक्टर्स को मिलना है। तो अगर जो अल्सर है वो नॉर्मल साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर आपको लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, तो आपको आपके डॉक्टर से मिलना है। इसके बाद मल्टीपल अल्सर्स की कंडीशन में, अगर बहुत ज़्यादा अल्सर्स आपको दिख रहे हैं, एक दो हैं तो ठीक है, लेकिन आप नोटिस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अल्सर्स हो रहे हैं, 4-5 अल्सर्स या इससे ज़्यादा भी अल्सर्स एक ही जगह में हो रहे हैं, इस कंडीशन में आपको अवॉइड नहीं करना है। इसके बाद अगर आपको कोई नया अल्सर हो रहा है पहले वाले अल्सर के ठीक होने से पहले, जो पहले से ही एक अल्सर है वो ठीक नहीं हुआ, उसके पहले दूसरा अल्सर हो गया, ऐसी कंडीशंस में आपको अवॉइड नहीं करना है, डॉक्टर से मिलना है। इसके बाद ऐसे अल्सर्स जो 2 हफ्ते से ज़्यादा बने हुए हैं, 2 हफ्ते के बाद भी ठीक नहीं हो रहे हैं, जनरली जो अल्सर्स है 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, पेनफुल होते हैं लेकिन 5 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन अल्सर्स जो कम से कम 2 हफ्ते हो गए हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में। और इसके अलावा एक्सट्रीम पेन है तो आपको अवॉइड नहीं करना है। अगर अल्सर्स के साथ फीवर है, अल्सर्स भी हो रहे हैं और बुखार भी आपको आ रहा है, तो इसको आपको अवॉइड नहीं करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो अल्सर्स हैं वो आपके थ्रोट तक फैल रहे हैं, अंदर भी हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, ऐसे कंडीशंस में आपको डॉक्टर से मिलना है और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। अब आप इजी डेंटिस्ट्री को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में आकर बताइए किन टॉपिक पर आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं। कुछ क्वेरीज है, कुछ सजेशंस है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।